दोस्तों, समर सिंह को लेकर बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर है। समर सिंह की हालत एक बार फिर से बिगड़ गई है। जी हाँ, समर सिंह की कोर्ट में पेशी से पहले ही कंडीशन खराब हो गई। समर सिंह को अस्पताल लेकर जाना पड़ा और पेशी पर कोर्ट पहुंचने के बजाय समर सिंह वाराणसी के सरकारी अस्पताल पहुंच गया। और इससे भी बड़ी बात, रात के तीन बजे समर सिंह की जेल में हालत अचानक से बिगड़ने की खबर है। और जब समर सिंह चिल्लाया तो उसके बाद उसे जेल की सेल से कोठरी से बाहर निकाला गया। अब खबर तो यहाँ तक है कि समर की हालत वाकई में बहुत खराब है। तो ऐसे में सवाल उठने लगा है कि रिमांड से बचने के लिए समर सिंह बहानेबाजी कर रहा है या फिर वाकई उसका कांड हो गया है, खेल हो गया है। तो क्या हुआ ऐसा जेल में रात के 3 बजे? क्या है अस्पताल का अपडेट? रिमांड पर कैसे आएगा समर सिंह? सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो समर सिंह को गिरफ्तार करके वाराणसी की जेल में रखा गया है। हालांकि जब शनिवार को समर सिंह की पेशी हुई थी तब रेगुलर कोर्ट में पेशी नहीं थी बल्कि रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेशी थी, जिसके बाद समर सिंह की रिमांड के लिए रेगुलर कोर्ट में जाने को कहा गया था और सोमवार 10 अप्रैल को आधी ही सुनवाई हुई। बाकी की सुनवाई यानी कि समर सिंह की रिमांड पर फैसले के लिए 11 अप्रैल मंगलवार की तारीख मुकर्रर की गई। अब इस तारीख से पहले 11 अप्रैल से पहले 10 अप्रैल की रात जेल में हाहाकार मच गया। जी हाँ, जेल सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि सोमवार की रात समर सिंह की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और पेशी से पहले उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। जेल सूत्रों के हवाले से खबर है कि समर सिंह जेल के अंदर बेहद ज्यादा परेशान रहता है, बेचैन है। जेल का खाना, जेल की जिंदगी उसे रास नहीं आ रही है। समर सिंह ने सोमवार की सुबह खाना नहीं खाया और दिन में थोड़ा सा खाना खाया और जेल सूत्रों के मुताबिक सोमवार की शाम को समर सिंह ने जेल का खाना खाया ही नहीं, भूख नहीं होने की बात कही थी। अब समर सिंह को जिस बैरक नंबर 10 में रखा गया है उसके बाहर 2 बंदी रक्षक तैनात किए गए हैं, जो कि हर 8 घंटे बाद उनकी ड्यूटी भी चेंज होती है और रात के वक्त भी पूरी तरह से वहां पर पहरेदारी होती है। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह को नींद नहीं आ रही है। सोमवार की रात भी वो अपनी सेल में इधर से उधर टहलता रहा। हालांकि जेल में काफी ज्यादा रोशनी के बीच सोना होता है, लिहाजा समर सिंह को नींद नहीं आ रही है। अब बंदी रक्षकों ने भी समर सिंह को सोने को कहा तो सूत्रों के मुताबिक समर सिंह ने कह दिया कि उसे नींद नहीं आ रही। अब जेल सूत्रों के मुताबिक खबर है कि रात के 1 बजे तक, जी हाँ, रात के 1 बजे तक समर सिंह अपनी सेल में टहलता रहा और उसके बाद समर सिंह सेल के अंदर ही अचानक से लेट गया। इसके बाद समर सिंह कभी लेट जाता, कभी बैठ जाता, लेकिन हाँ, बेचैन रहा मगर इसके बाद खड़ा नहीं हुआ। और अचानक रात की 3 बजे के आसपास समर सिंह अचानक चिल्लाने लगा। जेल सूत्रों के मुताबिक समर सिंह रात को जब चिल्लाया तो 3:15 बजे का वक्त होगा और जेल सूत्रों के मुताबिक बंदी रक्षकों ने समर सिंह से तुरंत पूछा कि चिल्ला क्यों रहे हो, तो समर सिंह उसके बाद हांफने लगा, सांसें चढ़ने लगी, धड़कन बढ़ गई और कोई जवाब उसने दिया नहीं। ऐसा लग रहा था या तो समर सिंह ने कोई बुरा सपना देखा है या फिर उसे किसी और वजह से घबराहट हो गई है। यहाँ पर मामला एंग्जाइटी अटैक जैसा लग रहा था। जेल सूत्रों के मुताबिक कुछ ही देर में समर सिंह वहां पर पसीना पसीना हो गया और काफी ज्यादा उसकी सांसें और धड़कन तेज हो गई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक वहां पर मौजूद बंदी रक्षकों ने तुरंत ही वहां पर मौजूद अपने सीनियर अफसरों को खबर दी और तुरंत ही मेडिकल रूम में समर सिंह को पहुंचाया गया। अब कंडीशन ये थी कि समर सिंह चलने फिरने की हालत में नहीं था। 2 लोगों ने अपने कंधे से समर सिंह के हाथों को सपोर्ट दिया और उसे लेकर जाया गया और मेडिकल रूम में समर सिंह का चेकअप हुआ। जेल सूत्रों के मुताबिक उसके बाद काफी देर तक समर सिंह मेडिकल रूम में ही रहा, उसका चेकअप होता रहा, इलाज होता रहा। अब कंडीशन स्टेबल करने की कोशिश होती रही लेकिन वाकई में अंदर क्या हो रहा था ये एक्चुअली पता नहीं चल पाया। लेकिन अचानक सुबह के 7 बजे समर सिंह को लेकर एक एम्बुलेंस जेल से बाहर निकल गई। जी हाँ, समर सिंह को सुबह 7 बजे के आसपास जेल से बाहर निकाला गया और सीधे वही एम्बुलेंस उसे लेकर सरकारी अस्पताल पहुंची। अब हालत ये थी कि जेल की एम्बुलेंस में उसे लाया गया और सब कुछ ये पेशी से पहले हो रहा था, क्योंकि कहां तो मंगलवार को सुबह 11 बजे के आसपास समर सिंह की कोर्ट में पेशी होनी थी, उसके रिमांड पर फैसला होना था, पुलिस के हवाले उसे किया जाना था। लेकिन यहां तो समर सिंह अस्पताल पहुंच गया था और सुबह सुबह उसे स्ट्रेचर पर लाया गया था। आगे देखिए, सूत्रों के मुताबिक समर सिंह की हालत में कोई सुधार नहीं था, इसीलिए उसे अस्पताल लाया गया था और वहीं अस्पताल के अंदर भी उसका चेकअप किया गया, इलाज किया गया। अब सूत्रों के मुताबिक समर सिंह की वाकई हालत खराब है। समर सिंह की कंडीशन लगातार खराब हो रही है क्योंकि खाना पीना वो लगभग छोड़ चुका है, एंजाइटी की वजह से लगातार वो बीमार है, बेचैन है और जेल में आइसोलेशन में रखा गया है। तो
इससे समर सिंह को इंटरनल दिक्कतें आ गई हैं। समर सिंह का बीपी खासा लो हो गया है, हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो गई है और इसीलिए लगातार उसे निगरानी में रखा गया है। जेल सूत्रों का तो यहाँ तक कहना है कि जल्दी उसकी हालत में सुधार नहीं आया तो कुछ अनहोनी की भी आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि आकांक्षा की माँ का, उनके परिवार का तो यहाँ तक कहना है कि समर सिंह सिर्फ बहाना बना रहा है जेल से बचने के लिए, पुलिस की रिमांड से बचने के लिए, पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए। समर सिंह सिर्फ बहानेबाजी कर रहा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है और वो अस्पताल में रहने के लिए, जेल से बाहर निकलने के लिए ये सब एक्टिंग कर रहा है, बहानेबाजी कर रहा है। वैसे खबर ये भी है दोस्तों कि समर सिंह को कोर्ट में पेशी से पहले भी मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर जाना था और हो सकता है कि उसी मेडिकल की ही वजह से समर सिंह को अस्पताल लेकर जाया गया हो, लेकिन इतनी सुबह सुबह 7 बजे लेकर जाना कुछ सवाल खड़े करता है। और समर सिंह को पेशी से पहले अस्पताल ले जाने पर बवाल इसीलिए मच गया क्योंकि रात को जेल के अंदर जो हुआ उसने हालात और ज्यादा खराब कर दिए हैं। अब कुल मिलाकर समर सिंह की रिमांड पर फैसला होना है, तय माना जा रहा है कि उसे रिमांड पर लिया जाएगा, पुलिस के हवाले किया जाएगा और पुलिस की पूछताछ में वो सब कुछ बोलेगा। अगर बहानेबाजी कर रहा है तो उसकी पूरी हेकड़ी बहानेबाजी पुलिस की पूछताछ में निकल जाएगी, पुलिस की हवालात में निकल जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि रात में समर सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ गई, चिल्लाने लगा, घबराने लगा और उसके बाद उसका इलाज जारी है। अब आपका क्या मानना है? आकांक्षा दुबे के मुख्य आरोपी समर सिंह का खेल क्या वाकई में खत्म हो गया है? क्या उसकी जिंदगी भी खत्म होने जा रही है या फिर समर सिंह सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भोजपुरी सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत का राज गहराता ही जा रहा है। आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को पुलिस ने पिछले दिनों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने पूछताछ में कई खुलासे किए। अब जहां समर सिंह कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है, कुछ अलग ही थ्योरी गढ़ रहा है, वहीं इस मामले में अब एक बार फिर से शक की सुई संदीप सिंह पर आकर टिक गई है। दरअसल समर सिंह बार बार एक ही बात कह रहा है कि 25 मार्च की रात को वो सारनाथ में तो क्या, वाराणसी में भी नहीं था, वो तो लखनऊ में था और समर सिंह लखनऊ में अपने होने के सबूत होने की बात भी कर रहा है। अब यानी कि यहाँ पर पुलिस को कुछ अलग ही साजिश की बू आ रही है। पुलिस अब उसी संदीप सिंह को एक बार फिर से पूछताछ के लिए बुला रही है, जो कि आकांक्षा दुबे को होटल के कमरे तक छोड़ने आया था। पुलिस को समर सिंह और संदीप सिंह के बीच कुछ तो कनेक्शन नजर आ रहा है। एक तरफ जहां समर सिंह कह रहा है कि वो किसी संदीप सिंह को नहीं जानता, वहीं समर सिंह के ही फोन की जांच में कुछ और ही सामने आया है, इसीलिए होटल के सीसीटीवी में दिखे संदीप सिंह को फिर से पुलिस ने पूछताछ के लिए बुला लिया है। दरअसल संदीप सिंह से पहले भी पूछताछ की गई थी, मगर उस वक्त संदीप सिंह ने पुलिस को सिर्फ इतना ही कह दिया था कि वो तो सिर्फ आकांक्षा को ड्रॉप करने आया था और इसके बाद चला गया, आकांक्षा की मौत के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अब पहले पुलिस भी आकांक्षा के केस को इतना सीरियसली नहीं ले रही थी, मगर यूपी सरकार के दखल के बाद वाराणसी पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और समर सिंह के बाद पुलिस अब संदीप सिंह को टारगेट करने जा रही है।